कल 10 बजे सबने अनाज मंडी करनाल में इकट्ठे होना है। जहां भी आप नाका तोड़ सकते हो वो नाके तोड़ने हैं। अगर पुलिस लठ मारती है तो हमने जवाबी लठ नहीं मारना। कल का हमारा जो आंदोलन है वो हम जरूर करेंगे, सेक्रेटरिएट का घेराव जरूर करेंगे, इकट्ठे जरूर होंगे। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल करनाल के अंदर हमने अनाज मंडी में सब ने इकट्ठे होके उसके बाद सचिवालय का घेराव करना है। कल 10 बजे सब ने अनाज मंडी करनाल में इकट्ठे होना है। और साथियों, प्रशासन ने भी दूसरी तरफ अपनी सख्ताई शुरू कर दी है, धारा 144 लगा दी है, जगह जगह पे नाके लगा सकते हैं, आपको रास्ते में रोक सकते हैं। हम एक तो बेनती करना चाहेंगे, जो करनाल और उसके आसपास के लोग हैं वो ट्रैक्टर ट्रालियों में आएं, और जो भाई मतलब इकट्ठे होकर जथों में आएं, और जहां भी आप नाका तोड़ सकते हो वो नाके तोड़ने हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आंदोलन में किसी तरह का उपद्रव ना हो। अगर पुलिस लठ मारती है तो हमने जवाबी लठ नहीं मारना, हमने बट्टा नहीं मारना, हमने आगजनी नहीं करनी, पुलिस वाले से झगड़ा नहीं करना। पुलिस जो करती है करे, अगर आपने कोई उपद्रव किया तो आप बदनाम हो जाएंगे, अगर पुलिस ने लाठियां मारी तो सरकार बदनाम हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने हाथ उठा लिया तो ये आंदोलन टूट जाएगा। इस आंदोलन को हमने हर कीमत पर, हर कुर्बानी देके बचाना है। साथियों, जो जहां थोड़े भाई हों, जहां बैरिकेड ना तोड़ सकते हों, वो वैकल्पिक रास्तों से आए। जहां भी दाएं बाएं से रास्ता खुले मिले, खेतों से रास्ता मिले, वहां से आए। और जो भाई थोड़े हों और वैकल्पिक रास्ता भी ना हो, वो भाई वहीं पे बैठ जाएं, वहीं पे सड़क पे धरना शुरू कर दें, सड़क रोक के बैठ जाएं। साथियों, हमारी बिल्कुल सख्त हिदायत है कि कल का हमारा जो आंदोलन है वो हम जरूर करेंगे, सेक्रेटरिएट का घेराव जरूर करेंगे, इकट्ठे जरूर होंगे। लेकिन हमारा फिर अनुरोध है कि हम उपद्रव नहीं करेंगे, हमारा कोई भाई हाथ नहीं उठाएगा। और आप सभी वॉलंटियर हो, जो भाई कहीं उपद्रव करे, हाथ उठाए, कहीं नए लड़के आते हैं हमारे बीच में और वो रोके से रुकते नहीं हैं, उनको साथ वाले भाई पकड़ लें। और जो भाई बिल्कुल ना रुक सकता हो कि उसने तो रुकना ही रुकना नहीं है, तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो भाई इस आंदोलन में, कल वाले उसमें वो ना आए, घर से ही ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह से आंदोलन नहीं टूटना चाहिए। जो भाई उपद्रव को रोक जो भाई शांति से आंदोलन करेंगे तो तभी आंदोलन जीता जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि जो वर्कर है वो अपने साथियों को कंट्रोल में रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।